स्ट्रगल के दिनों में नोरा फतेही पर भदे कमेंट करते थे लोग। 8 लड़कियों के साथ शेयर करती थी फ्लैट। नोरा फतेही ने बॉलीवुड में कई हिट आइटम सॉन्ग दिए हैं। हाल ही में उनका गाना ओसाकी साकी भी दर्शकों को काफी पसंद आया। जॉन अब्राहम की फिल्म बाटला हाउस में इस गाने को फिल्माया गया है। इससे पहले फिल्म सत्यमेव जयते में भी नोरा का गाना दिलबर दिलबर सुपरहिट हुआ था। हाल ही में नोरा ने अपने स्ट्रगल के दिनों को याद किया। नोरा फतेही ने बॉलीवुड में कई हिट आइटम सॉन्ग दिए हैं। हाल ही में उनका गाना ओसाकी साकी भी दर्शकों को काफी पसंद आया। जॉन अब्राहम की फिल्म बाटला हाउस में इस गाने को फिल्माया गया है। इससे पहले फिल्म सत्यमेव जयते में भी नोरा का गाना दिलबर दिलबर सुपरहिट हुआ था। हाल ही में नोरा ने अपने स्ट्रगल के दिनों को याद किया। मैं 8 लड़कियों के साथ एक अपार्टमेंट शेयर करती थी। मुझे वो अपार्टमेंट छोड़ना पड़ा। तब उन्होंने मेरा पासपोर्ट चुरा लिया था। इसके बाद मैं कुछ समय के लिए वापस कनाडा आ गई। मैं हिंदी बोलना सीख रही थी और जब ऑडिशन देने जाती थी तो सब मेरा मजाक उड़ाते थे। वो मेरे मुंह पर ही हंसते थे। घर जाते वक्त मैं पूरे रास्ते रोती रही। एक कास्टिंग एजेंट ने मुझसे कहा, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। मैं ये सब कभी भूल नहीं सकती। बता दें कि नोरा एक रूढ़िवादी अरब परिवार से आती हैं। इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में नोरा ने कहा था, मैं एक रूढ़िवादी परिवार से आती हूँ। मैं अपने कमरे में डांस करती थी और उसके वीडियो लोगों को दिखाती थी। लोग मेरे डांस को पसंद करते थे। बता दें कि नोरा की अगली फिल्म स्ट्रीट डांसर 3 भी है। इसमें नोरा वरुण धवन और श्रद्धा कपूर के साथ नजर आएंगी। इस फिल्म को लेकर नोरा ने कहा था, सेट पर मुझे काफी कुछ सीखने को मिला है। मैंने डांस के अलग अलग स्टाइल सीखे। मेरे लिए सपने के सच होने जैसा है। नोरा की ये फिल्म 24 जनवरी 2020 को रिलीज होगी।